क्या चीज ये वाली? फिर दिखता नहीं, सामने वाली बंद कर दे रहे हैं। बनाने के भी
राइट्स दे दिए गए थे, और ये राइट्स ऐसे थे कि आप इन कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटीज को खोल के यहाँ पे लोगों को शिक्षाएं भी दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो रिलीजन और एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया था 33 का चार्टर एक्ट के थ्रू, यहाँ पे मिशनरीज को परमिशन देगी, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों ने 1835 का भी पढ़ा, जो आप लोगों ने कल मैकाले मिनट की पूरी बात करी, और उस मैकाले मिनट के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन भारतीय सिस्टम के ऊपर हावी हो जाती है ना। तो वेस्टर्न एजुकेशन भी हावी हो चुकी है, क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे समय में गुड डिस्पैच की बहुत समय से डिमांड हो रही थी, एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम लाया जाए जो भारतीय शिक्षा को बैलेंस करे, क्योंकि सारी चीजें किधर ट्रांसफर होती चली जा रही है, अंग्रेजी माध्यम की तरफ या फिर अंग्रेजों की तरफ ट्रांसफर होती चली जा रही है। तो जब गुड डिस्पैच अधिनियम आया तो इसको बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एजुकेशनल फिल्टर के फॉर्म में इसको माना गया, मतलब एजुकेशन में जो फिल्ट्रेशन की जरूरत थी, छनाई की जरूरत थी, जो उसको छानने की जरूरत थी, उसको गुड डिस्पैच के अंदर लाके लागू किया गया। गुड डिस्पैच के जो कारण थे उन कारणों की अगर समीक्षा करेंगे आप लोग, तो कारणों की समीक्षा देख लीजिए कि गुड डिस्पैच के अंदर जब इस समिति को लाया गया था तो उससे पहले नो डाउट एक जांच समिति बैठी थी, इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, जिस इंक्वायरी कमेटी ने जो भी मैंने समस्याएं आपको बताई उन समस्याओं के बारे में डिस्कस किया था। कौन सी समस्या? कि भारत के ऊपर अंग्रेजी माध्यम पूरी तरीके से हावी होता चला जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से इसको रिव्यू करना चाहिए और एक नया एजुकेशनल सिस्टम लाना चाहिए। तो ये कारण थे इसके पीछे। इसमें जो वुड पर्सन है, जो पर्टिकुलर जिनके नाम से पूरा का पूरा अधिनियम आया है, वो इस समय भारत के अंदर शिक्षा के मंत्रालय को देख रहे थे, जैसे मैकाले कुछ समय पहले भारत के अंदर देखा करते थे। तो वो डिस्पैच के नाम से इस अधिनियम को यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। कई सारे लेखों का लंबा सा अनुच्छेद बना के इस अधिनियम को लाया गया, लेकिन हम लोग इसके पार्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर कुछ इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली यही है, शिक्षा का उत्तरदायित्व, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन अगर भारत के अंदर किसी की है तो वो ब्रिटिशर्स की है। इस समय इन्होंने ब्रिटिशर्स, क्योंकि भारत के ऊपर यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि वो भारतीयों को शिक्षाएं दे, और वो शिक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स डायरेक्टली अपने हाथ में ना लेके किसको देंगे, कंपनी को देंगे, क्योंकि रूल किसका है अभी भी कंपनी का ही है। कंपनी का रूल 1858 के अंदर जाके खत्म होगा ना, अभी तक तो किसका रूल चलेगा, कंपनी का। तो पहली चीज तो वो डिस्पैच में बोली गई कि शिक्षा का उत्तरदायित्व पूरी तरीके से कंपनी का है, और कंपनी इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके की आनाकानी ना करे, और भारत के अंदर जो शिक्षा का विस्तार है उसको सही तरीके से किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, शिक्षा के उद्देश्य को समझाने की बात की गई, शिक्षा का उद्देश्य भारत के अंदर है क्या, इसके ऊपर चर्चा की गई। जैसे 45 मिनट के समय शिक्षा के उद्देश्य को सीधा सीधा क्या माना जा रहा है, कि वो भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन की जगह वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लाना चाह रहे हैं, और भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा देने के बदले वो भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य है उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो था मैकाले मिनट के अंदर बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे बोला गया दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए, भारतीय एजुकेशनल सिस्टम जो था और साथ ही साथ में इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम, मतलब भारत के हितों का भी ध्यान रखा जाए और ब्रिटिशर्स के भी हितों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गुड डिस्पैच को लाया गया था। तो गुड डिस्पैच में कभी भी आपसे पूछ लिया क्या ये पार्शियल अधिनियम था जो अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आया था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनमें शिक्षा का उद्देश्य साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय और ब्रिटिश राज्य दोनों के हितों के लिए गुड डिस्पैच को लाया गया, मतलब जो भी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अपनाया जाएगा यहाँ पे उसके अंदर भारतीयों की शिक्षा को भी उतना ही मूल्य दिया जाएगा जितना ब्रिटिश शिक्षा को। जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे कि मैकाले मिनट के अंदर बोला गया था कि लॉर्ड जो हमारे चार्ल्स थे उनके बारे में खूब सारी तारीफें की जा रही हैं, क्वीन विक्टोरिया के बारे में खूब सारी तारीफें की जा रही हैं, लेकिन भारतीय लोगों के जो भारतीय लीडर्स थे उस समय जिनकी तारीफें होनी चाहिए थी उनको साइड कर दिया गया था। अब क्या करा जाएगा, उनको भी लाके यहाँ पे उनकी भी गाथाओं को यहाँ पे लाके वर्णन किया जाएगा, मतलब दोनों सिलेबस सब भारतीय लोग इक्वली पढ़ा करेंगे। तो भारतीय सिलेबस को अगर किसी को अंग्रेजी माध्यम चुनना भी है तो वो अंग्रेजी माध्यम चुन सकता है, और उस अंग्रेजी माध्यम की किताबों में भी अशोका के बारे में मिलेगा, उस अंग्रेजी माध्यम की किताबों में अकबर के बारे में भी मिलेगा,
तो ऐसी चीजें भी अब यहाँ पे सिलेबस के फॉर्म में एड ऑन होना शुरू हो गई वो डिस्पैच के थ्रू। ठीक है, तो दो तो ये पर्पस है बेसिकली। तीसरा है सिलेबस, जिस सिलेबस की अभी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि सिलेबस होगा। ठीक है, वही जो बात मैंने आपको बताई, भारतीय भाषाओं से साहित्य को जो हमारा कल्चर है बेसिकली, या हमारा कल्चर के अलावा जो सांस्कृतिक मूल्य है हमारे, या जो भी हमारा साहित्य है पुराना, उस सारे साहित्य को सिलेबस का पार्ट बनाया गया इसके थ्रू। ठीक है, तो वो डिस्पैच कभी भी किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करता नहीं दिख रहा है कि भारतीय और अंग्रेजी माध्यम के अंदर किसी भी तरीके से अंग्रेजों को बढ़ावा दिया जाए। वो डिस्पैच अभी तक तो पूरी तरीके से प्योरली ये दिख रहा है कि दोनों तरीके की चीजें की जा रही है। ठीक है, अब इसी के अंदर जैसे मकाले के अंदर भारतीय कल्चर की और भारतीय पूरी पूरी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसकी धज्जियां ही उड़ाई गई थी, लगातार उसको क्रिटिसाइज ही किया गया था कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम खराब है, तभी तो ये लोग अपना एजुकेशन सिस्टम लाते। इन्होंने उन वैल्यूज को भी इक्वली प्रमोट करना शुरू किया कि भारतीय एजुकेशनल सिस्टम में अगर कोई गुरुकुल या पाठशाला में पढ़ना चाहता है तो पढ़े, पाठशाला बनाओ, गुरुकुल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, मदरसा मकतब जो बनाना बनाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उस एजुकेशनल सिस्टम में बस सिलेबस का एक चेंज कर दो कि पाठशालाओं के अंदर थोड़ा मुगल भी पढ़ा दो, मदरसा के अंदर थोड़ा सा गुप्ता मौर्यास के बारे में भी पढ़ा दो, तो वहां पर ये कार्य भी तो किया जा सकता। जरूरी तो नहीं हम एक नया पूरा एजुकेशनल सिस्टम इसके लिए डेवलप करें, है ना। तो ये चीज को मैकाले वाले सिस्टम को इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था सिलेबस देने के लिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, शिक्षा का माध्यम को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बना दिया गया था। वर्नाकुलर मतलब लोकल भाषाएं जो आपकी होती है, संस्कृत होगी, कोई तमिल में लेना चाहेगा, कोई तेलुगु में पढ़ना चाहेगा, कोई उर्दू फारसी में पढ़ना चाहेगा, तो कोई किसी भी भाषा के अंदर किसी भी शिक्षा को लेना चाहता था उसके लिए वो शिक्षा के लिए वो भाषा चुन ली जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या बोला गया था, शिक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी भाषा भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से माध्यम के अंदर शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे आज के समय में यूपी बोर्ड में जब आप एडमिशन लेते हो तो दोनों माध्यम आ गए हैं आज के समय में। ठीक है, आप अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ सकते हो और हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हो, तो दोनों तरीके के माध्यम यूपी बोर्ड के अंदर भी आते हैं इस तरीके से। तो वो डिस्कस कुछ इसी तरीके का है, उसने बोला था कि चलो हायर एजुकेशन जो है ना आप उसके लिए अंग्रेजी माध्यम को चाहे चूज करो, चाहे आप अपनी लोकल भाषाओं को चूज करो, हमें किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये चौथा इंस्ट्रक्शन इसके फॉर्म में दिया गया था कि शिक्षा का माध्यम ये हो सकता है। ठीक है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। लोक शिक्षा विभाग की जैसे मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, बॉम्बे पंजाब, या फिर आपके नॉर्थ वेस्टर्न के जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों के अंदर एक ऐसे विभाग की स्थापना की गई जो विभाग बेसिकली कई सारे ऑफिसर्स से मिलकर बना होगा। मतलब जैसे आज के समय में हमारे यहाँ मंत्रालय होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं जो पूरी तरीके से शिक्षा के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, प्रांत के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे हमारे जिला स्तर पर वीडियो है। हाँ, बेसिकली वीडियो है जैसे जिस तरीके से, तो वो हर एक जगह पे एक एक अधिकारी ऐसे अपॉइंट किया जाता है और वो अधिकारी क्या करता है बेसिकली एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर ही कार्य करता है पूरा का पूरा। तो वो एजुकेशनल सिस्टम जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली DSW सर एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशनल वर्क के ऊपर काम करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों का क्या बना दिया गया, एक पूरा समूह बना दिया गया जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या किसी भी एरिया के अंदर एजुकेशन की निगरानी करेंगे। मतलब हम गुड डिस्पैच लाके लागू तो कर दें लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में वो चल ही नहीं पा रहा है, तो इसकी निगरानी के लिए भी तो कोई ना कोई समिति बनानी पड़ेगी या कोई कार्यालय बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी जहाँ एक डायरेक्टर होता था और वो डायरेक्टर लगातार इस चीज को रिव्यू करता रहता था कि गुड डिस्पैच के अधिनियमों को भारत के अंदर सही तरीके से लागू किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो ये एक डिपार्टमेंटल सिस्टम इस समय में आप देख सकते हो जो शिक्षा के लिए आया है। विश्वविद्यालयों की स्थापना होना शुरू हो। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज थी कई सारी, अभी तक हमने बोला था क्रिश्चियन मिशनरीज को यूनिवर्सिटीज खोलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, वो धार्मिक बेसिस पे था। यहाँ पे बोला गया मॉडर्न एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हमको भारत के अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज चाहिए जो डिग्री कोर्सेज के साथ साथ में कई सारे एडवांस कोर्सेज भी करा सकते हैं आपको। ठीक है, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी होते हैं उसको, ऐसी तीन यूनिवर्सिटीज खोली गई थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर। और ऐसी यूनिवर्सिटीज जो विश्वविद्यालयों की स्थापना है, ये तो जो आपका वुड डिस्पैच 1854 में आया,
लेकिन यूनिवर्सिटी जो बंदे तैयार हुई थी वो 57 में तैयार हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इतना डिफरेंस है, 54 के अंदर इसको लेके आदेश पारित किया गया था और 57 में ये यूनिवर्सिटीज बनके तैयार हो गई थी, यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी समय जो है आपका वो डिस्पैच उसी की दी हुई चीज है। ठीक है, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि ग्रेडेड स्कूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रेडेड स्कूल्स के अंदर जैसे प्राइमरी स्कूल्स आते हैं, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये एक क्रोनोलॉजी होती है एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर शिक्षा के अंदर पहले देखने को नहीं मिलता था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसी समय डेवलप किया गया। मतलब अगर किसी भी इंसान को शिक्षा को प्राप्त करना है, स्टार्ट करना है, तो वो कहाँ से करेगा? सीधा प्राइमरी स्कूल से शुरू करेगा। मतलब प्राइमरी स्कूल्स का मतलब वही हो गया, केजी एलकेजी वगैरह जो सब आप लोग पढ़ गया, फर्स्ट सेकंड वाला जो भी। ठीक है, उसके बाद में मिडिल स्कूल्स होते थे और मिडिल स्कूल्स के अंदर ये बोर्ड से पहले की जितनी भी परीक्षाएं होती थी वो सारी परीक्षाएं मिडिल स्कूल्स के अंतर्गत कराई जाती थी। और बोर्ड एग्जाम्स का जो कार्यकाल है वो यहीं से पूरा का पूरा, जो आप 10th देखते हैं, 12th बोर्ड देखते हैं, ये सारे के सारे पहले 8th क्लास भी बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, तो 8th क्लास भी पहले बोर्ड हुआ करता था जो कि इसका पार्ट बना करता था। ठीक है, तो ये हाई स्कूल्स वगैरह जितने भी होते थे वो इसका पार्ट होते थे। फिर कॉलेजेस को बनाया गया। अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस किया गया था, दोनों सेम चीज नहीं है। ठीक है, कॉलेजेस अलग, यूनिवर्सिटीज अलग। कॉलेजेस का मतलब हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कॉलेजेस के अंदर जाते हो तो 12th पास जितने भी लोग होते हैं वो सब कॉलेजेस का पार्ट बनते हैं और ग्रेजुएशन के लिए आप इस कॉलेजेस के अंदर अपने एडमिशन लेते हो। कॉलेजेस के अंदर कुछ इंटर कॉलेजेस भी आते हैं, 12th के बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो भी इसके अंदर स्टडी किया करते थे। तो कॉलेजेस का मतलब कॉमन होता है जहाँ पे बोर्ड्स भी होते हैं और यूनिवर्सिटीज का भी जो कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉलेजेस। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजेस भी कहलाते हैं। कई सारे इंटर कॉलेजेस भी हैं जिनको कॉलेजेस की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो कॉलेजेस के अंदर दोनों चीजें आ जाती है। यूनिवर्सिटीज का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप इसके अंदर ग्रेजुएशन के साथ साथ में अपने पीजी कोर्सेस को भी कर सकते हो और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रिसर्च वर्क करने को मिल जाए वो क्या होती है आपके लिए? यूनिवर्सिटीज होती है। ठीक है, तो ये एक जो ऑर्डर है जो आज के समय में भारत के अंदर चल रहा है, तो ये ऑर्डर किसने दिया था? वुड डिस्पैच ने दिया था। इससे पहले ऐसा कोई ऑर्डर भारत के अंदर नहीं चला करता था। आगे चल के आप लोग देखेंगे कई सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी भारत के अंदर इसी के फॉर्म में खुल गई। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज पूसा बिहार के अंदर खुला। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला पहला भारत के अंदर। ठीक है, उसके साथ ही साथ में ऐसे कई सारे टेक्निकल और मेडिकल कॉलेजेस भारत के अंदर बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद में वुड डिस्पैच के बाद। ठीक है, तो वुड डिस्पैच की अगर हम लोग पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे तो हमको अभी तक सारी चीजें लगभग लगभग पॉजिटिव ही दिख रही है कि वुड डिस्पैच भारत में एक अच्छा कार्य करने के लिए आया। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? जन शिक्षा का विस्तार किया था। जन शिक्षा के विस्तार के लिए बेसिकली ये है कि जो लोग शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जिनको लगता था कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, हमें अपना कार्य करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कमाई करना चाहिए, है ना, वो पैसा हम तब भी कमाएंगे जाके, तो इतना खर्च करके पैसा क्यों कमाएं, इससे पहले पहले ही पैसा कमा लो, है ना। तो ऐसे लोगों को भी क्या करा गया यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी विस्तार किया गया, उनको समझाया गया कि शिक्षा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसी चीजें भी वुड डिस्पैच के अंदर देखने को मिलती हैं और यहाँ पर लोगों को उन स्कीम्स पॉलिसीज के बारे में भी समझाया गया कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको हम अपनी तरफ से क्या क्या सहायता प्रदान करेंगे, जैसे फीस में छूट दे देना होता है, आज के समय में भी चलता है ना 6 से 12 एजुकेशन फ्री होता है जिस तरीके से, तो वैसे भी वहां पे भी इस तरीके से चीजें हुआ। 6 से 12 उम्र की बात कर रहा हूँ, अच्छा की बात नहीं। तो ये जो है बेसिकली जन शिक्षा का विस्तार यहाँ पे किया गया था। ठीक है, सहायता अनुदान अगला पॉइंट। सहायता अनुदान का मतलब ग्रांट इन एड, जिसको आप लोग बोलते हैं। ग्रांट इन एड का जो कॉन्सेप्ट है वो शिक्षा के अंदर यहीं से आता है। इससे पहले शिक्षा को लेके ग्रांट इन एड आप लोग दो जगह पढ़ चुके हो, 1,00,000 रुपए और 10,00,000 रुपए। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट और 33 का चार्टर एक्ट, वहां पे आपने 1,00,000 रुपए और 10,00,000 रुपए तो पढ़ाए। यहाँ पे सहायता अनुदान की बात हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर शिक्षा के अंदर किसी भी तरीके की कोई सहायता सरकार से लेकर जनता तक किसी भी व्यक्ति को अगर चाहिए होगी
तो वो सहायता लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इसको क्या बोलते थे, ग्रांटेड एड बोला जाता था, सहायता मिला। ये भी बोर्ड डिस्पैच का एक क्लॉज है। ये जितने भी क्लॉजेस हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे क्लॉजेस, इनमें से कोई भी एक क्लॉज डाल देगा क्वेश्चन के अंदर और पूछ लेगा वो डिस्पैच में इसमें से कौन सा भाग है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्लॉजेस पूछ लेगा आपसे। तो आप लोग इन क्लॉजेस को जरूर याद रखिएगा पॉइंट्स के हिसाब से जो मैं बताता चल रहा हूँ आपको। इसके बाद में अध्यापकों का परीक्षण प्रशिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। टीचर्स ट्रेनिंग का मतलब जो आज के समय में भी किया जाता है, अगर कोई बीएड या बीटीसी करके जाता भी है ना, तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पता है पढ़ लिख के तो तुम कुछ आए नहीं, डिग्री लेके चले आए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी कि आप बच्चों को डील कैसे करोगे। और ट्रेनिंग में पता नहीं उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, बैठने की ट्रेनिंग दी जाती है या सोने की ट्रेनिंग दी जाती है या स्वेटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, पता है कौन सी ट्रेनिंग यहाँ होता है, मतलब होता है कई जगह सरकारी जितने स्कूल है या प्राइमरी स्कूल आप यहाँ पे लोगों ने की होगी, यहाँ होता है हाँ। तो जिन लोगों का प्राइमरी स्कूल में सिलेक्शन होगा वो करेंगे आगे जाके, ऐसा भी होता है ना ही हो तुम लोग का सिलेक्शन ऐसी जगहों पे तो अच्छी चीज है। मैं तो यही दुआ करूंगा ना सिविल सर्विसेज में हो जाए तुम लोग का सिलेक्शन तो अच्छा है, क्योंकि जीवन में जब तक कुछ करने को नहीं है तब तक जीवन व्यर्थ है, और ऐसे लोग अपने जीवन को व्यर्थ तरीके से जी के खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं करते खाली बैठे बैठे, है ना। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के घर में कोई हो बुरा मत मानना, ठीक है, सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा। होते हैं कुछ टीचर्स वो सच में कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो वो कार्य भी करते अपना और बच्चों को पढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ने भी इंटरनेट में कुछ समय में देखे होंगे, कुछ टीचर्स इतने पॉपुलर हो गए कि बच्चे रोते हैं उनको ना जाने देने के लिए जब उनका ट्रांसफर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो बच्चों के साथ में इतना कनेक्टेड होकर उनको पढ़ाया करते हैं, उनके साथ ही ये होते हैं। सरकार नहीं कर पाती है, सरकार हर एक के ऊपर निगरानी नहीं करेगी ना, जाके बस जाके चेक कर लेती। इस मामले में दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, दिल्ली के जितने प्राइमरी स्कूल है या जो भी सरकारी स्कूल है वहां पर जितने भी है, उन सरकारी और प्राइमरी स्कूल्स के अंदर का हमेशा जो क्लासेस होती हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, अब एडवांस क्लासेस होती है, डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं क्लासेस के अंदर, टीचर्स की क्लास रिकॉर्डिंग होती है, हर एक क्लास को रिकॉर्ड करके विभाग तक भेजा जाता है और बताया जाता है कि क्लासेस परमानेंट हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें भी की जाती है। और ऐसा आप गुजरात के अंदर भी देखोगे, गुजरात में भी ये सीन ऐसा इसी तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर शिक्षा का सुधार के ऊपर लोग आ जाए तो शिक्षा का सुधार कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है कि हर कोई लेना चाहता है, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाना भी चाहता है और इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना भी चाहता है, लेकिन यही वाली चीज जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से चीजें सही नहीं हो पाती। तो टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिना उसके कार्य होता नहीं, वरना कोई भी कुछ भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसके पार्ट था। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, समझते हो आप सब इस शब्द को क्या होता है, इसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब जो जैसे कि आप हम आज देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो गया है। हां, जो भी देख रहे हैं आप बच्चा को जो भी एक संपन्न परिवार से वो कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, तो इसका या तो वो भी देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, और दूसरा कारण ये भी है कि शिक्षा प्राप्त कर सकते, व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त कर सकते, जैसे कि शब्द से तो दिख ही रहा है इसका मतलब यही होगा जो तुम बताना चाह रहे हो, व्यवसायिक शिक्षा, तो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करा सकते,
रोजगार भी मिल सके उसको, तो यहाँ पे इस चीज को कैसे जस्टिस करोगे? अगर वो डिस्पेंस के अंदर वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वोकेशनल एजुकेशन क्यों दिया जा रहा है? मतलब बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हो सभी लोग कि जिस शिक्षा के अंतर्गत कुछ नई चीजों को लर्न कराने के उद्देश्य से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, मतलब कुछ नया अगर आप शिक्षा ले लो तो शिक्षा के साथ में कुछ ऐसा एडिशन कर दिया जाए जिसके थ्रू आप आगे चल के अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हो। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन का मतलब यही होता है कि बेसिकली जैसे आप आज के समय में आईटीआई वगैरह कोर्सेज देखते है ना, या फिर अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए जब कोई भी एजुकेशन दिया जाए उसको वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। कौशल विकास केंद्र हो गया, जो भी ऐसे शिक्षा संस्थान हो गए जो आपको डिग्री कोर्सेज के अलावा वोकेशनल कोर्सेज भी दें। वोकेशनल का मतलब बेसिकली जो आपको ऐसे टैलेंट्स दे दें, स्किल्स दे दें जिसके थ्रू आप अपनी जॉब खोल ले सको, आपको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। मेडिकल कॉलेज इसी के अंदर आता है? हाँ, मेडिकल कॉलेज भी इसी के अंदर आता है? नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ डिप्लोमास आएंगे, कुछ डिप्लोमास आएंगे, वहाँ भी डिग्री जो डिप्लोमास होते हैं ना, सरकार की तरफ से वो आईएएस की तैयारी करने वाले तो अंदाजन भरेंगे क्योंकि जो भी जिनकी होगी वो तो भरेंगे ना, जिनकी नहीं होगी वो मजदूरों के बेचारे वो नहीं भर सकते। तो इसके अंदर बेसिकली देखो है क्या, सरकार सारी नौकरियां आपको नहीं दे सकते भाई, 60,200 नौकरियां आ गई तो 60,200 सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके अलावा उसमें फॉर्म भरने वाले 10,00,000 से ज्यादा फिर बच्चे होंगे, तो बचे हुए बच्चों पर क्या, बचे हुए बच्चों के लिए सरकार बार बार बोलती है स्किल ट्रेनिंग डेवलप करें अपने अंदर, स्किल लाए अपने अंदर और खुद की स्किल डेवलप करके अपने आप से खुद का बिजनेस क्रिएट करें, खुद का वेंचर क्रिएट करें। सरकार के अगर आप निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे कुछ लोगों को छोड़कर, क्योंकि लगातार हर साल का ये रेशियो है सरकारी नौकरी के अंदर सिर्फ 2% सिलेक्शन हो पाते हैं 100% लोगों में से, 18% फेल होके उस साइकिल को रिपीट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो फिर वो बार बार चलता रहता है और उन्हीं 98% में अगले कुछ 40-50% और ऐड हो जाते हैं हर साल, इतना बेरोजगारी का बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, चाइना सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका, चाइना के अंदर बहुत रोजगार है, बहुत रोजगार है, चाइना का भी बेरोजगारी और चाइना की जनसंख्या लगभग भारत के बराबर है, ऐसा नहीं, हम लोग के पास एक ही सोल्यूशन है और वो है स्किल डेवलप करना। और एक बार मोदी जी ने एक बात कही थी तो सब लोग ने बहुत मजाक बनाया था उस बात का, मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचो, बोला था चाय बेचो, और पकौड़े चाय बेचने वाले आज के समय में देख लो कहाँ पे है, एक एक स्टॉल लगा लगा के इंसान लाखों कमा लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाएगा चाहे खेती में भी खुद जाना है। ठीक है, बिजनेस को डेवलप करो और ये भी जरूरी नहीं है पकौड़े छानने में, पकौड़े भी नहीं छानने होते, अब चलते भी स्टॉल लगती है जैसे ड्रिमंड वाले लगाने की याद रखेंगे, क्योंकि वो डिग्री कर चुके उन्हें वहाँ नौकरी नहीं मिली तो वो लोग यहाँ, तो उसमें गलत कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं, उन्होंने अपना वेंचर सोचा नया डेवलप किया, वो इस मेले के अंदर ही लाखों रुपए कमा के ले जाए, सही ऐसा।
तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जिसको डेवलप करने की यहाँ बात की गई है। देखिए विमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इसको मेकाले के अंदर भी चर्चा की गई थी इसके बारे में, ठीक है। और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे भी गुड डिस्पैच के अंदर भी चर्चा की गई है कि भारत के अंदर स्त्रियों की शिक्षा का जो लेवल है वो अभी काफी डाउन है और स्त्री की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो स्त्री की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए भी गुड डिस्पैच का नाम लिया जाता है। अगला है मुस्लिम्स एजुकेशन। भारत के अंदर जो मुसलमानों का एजुकेशनल लेवल था वो भी बहुत डाउन था, इन्होंने ये भी भरोसा दिलाया था कि हम गुड डिस्पैच के अंदर जो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम है इसको भी बढ़ावा देंगे। आगे चल के आप लोग एक नाम जो मैंने कल भी लिया था सर सैयद अहमद खान का, और सर सैयद अहमद खान अंग्रेजों के समर्थक क्यों बन गए उसके पीछे कारण ये था, ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, जैसे बी आर अम्बेडकर चाहते थे दलित एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। इसी वजह से बी आर अम्बेडकर का भी रोल आप देखोगे, चाहे आप सर सैयद अहमद खान का भी रोल देखोगे, दोनों के रोल लगभग एक जैसे लगते हैं जब भी आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। अब वो एक जैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो अपने अपने समुदाय के लिए ज्यादा कार्य करने के बारे में सोचा करते थे, और उनका ये मानना था। आप इस बात को लेके आप लोगों को गलत मत आंकना, ठीक है, गलत इसलिए नहीं आंक सकते आप, क्योंकि बी आर अम्बेडकर और सर सैयद अहमद खान की जो थिंकिंग थॉट ऑफ थिंकिंग थी उसका मतलब ये था कि जब भी हम लोग सर्वोदया और अंत्योदया की बात करते हैं, वाले कॉन्सेप्ट सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है, गांधी जी के भी फिलॉसफी में ये पार्ट आते हैं। तो उन्होंने बोला जब हम लोग सर्वोदया और अंत्योदया, सर्वोदया का मतलब सबकी सेवा करना और अंत्योदया का मतलब अंत में जो व्यक्ति है जो कहते हैं लास्ट के अंदर बैठा हुआ है उस व्यक्ति तक अपनी सहायता प्रदान कराना। तो जब हम ये कार्य करना सुनिश्चित तभी कर पाएंगे जब तक हम नीचे तबके के लोगों को ऊपर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो जो पहले से ही यहाँ पे बैठा हुआ है वो तो यहाँ पे पहले से ही सेटल्ड है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, जब तक इस व्यक्ति को उठा के यहाँ पे नहीं लाओगे आप, तब तक आप सर्वोदया की बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सब इक्वल है और आप सबको साथ में लेके चलो, तब जाके भारत एक यूनिफाइड इंडिया बनेगा जहां पे सभी लोग बराबर हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था बी आर अम्बेडकर का, यही कॉन्सेप्ट था सर सैयद अहमद खान का। वो पहले सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के बेसिस पे कार्य इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग एक लेवल पे आके खड़े हो जाए, ठीक है। तो आप इस बात को लेकर, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसको आज के समय में रिजर्वेशन के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है, वही है आरक्षण, सेम यही है आरक्षण, कुछ अलग नहीं है आरक्षण से। आरक्षण के अंदर भी यही बात सीधे सीधे समझाने के लिए बोली भी जाती है आरक्षण, ठीक। इसके बाद में प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर, मतलब प्राच्य साहित्य को प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। क्या है ओरिएंटल लिटरेचर? पश्चिमी साहित्य की बात हो रही है, ठीक है। पश्चिमी साहित्य मतलब वेस्टर्न लिटरेचर जो है उसको। अब वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर आप पढ़ोगे, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारी पोएम्स कविताएं, या फिर आप पोएम कविता के अलावा स्टोरीज पे चले जाओ तो स्टोरीज के फॉर्म में पढ़ते हो आप कई सारी चीजों को। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी पढ़ी होगी जूलियस सीजर की, ठीक है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है लेकिन नाम सबने सुना होगा जूलियस सीजर के बारे में। अब जूलियस सीजर की जो कहानी है रोमन एम्पायर की है, रोमन एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर का सबसे शक्तिशाली राजा जिसको उसकी प्रजा के कुछ लोगों ने धोखा देकर उसको मरवा दिया था, ऐसी कहानियां कहां से लाई गई, वहां से उठा के और भारतीय एजुकेशन सिस्टम में रखे गए। आज के समय में सीबीएसई के 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर भी है, 9th या 10th क्लास में एग्जैक्टली याद नहीं मुझे है, इसी चीज को पढ़ाया जाता है। ऐसे ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे क्यूटी पाई करके चैप्टर आता है उसके अंदर, और क्यूटी पाई चैप्टर के अंदर एक पूरे के पूरे जो है उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है, वहां के हीरोज के बारे में संज्ञाएं दी गई है। तो वो हीरोज के बारे में हमको कैसे पता चला? वेस्टर्न लिटरेचर का जब कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आया, ठीक है, कि वेस्टर्न में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है और उनको भी पढ़ने की जरूरत है। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे भारत के अंदर कई सारे साहित्यकारों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ लोग वहां के भी थे जिनको यहाँ पे पूरी तरीके से सिलेबस का पार्ट बनाया गया। तो ओरिएंटल लिटरेचर को भी बढ़ावा दिया गया जिससे भारतीय लोगों ने उन लोगों के बारे में जाना। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गुड डिस्पैच एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम दोनों को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा अगर एजुकेशन सिस्टम आप भारत के अंदर डेवलप कर रहे हो तो लोग एजुकेशन लेंगे क्यों लेते हैं?
सिर्फ समझदार बनने के लिए तो कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं लेना चाहता, ऐसा तो नहीं होगा ना। भारतीय लोगों को क्या चाहिए? रोजगार, तभी वो शिक्षा को ग्रहण करने की नीति अपनाते हैं कि हम शिक्षा तभी लेंगे जब हमें रोजगार मिल रहा होगा, है ना। तो भारत के अंदर वो डिस्पैच में भरोसा भी दिलाया गया था, ये बोला भी गया था कि अगर आप शिक्षा को उस लेवल तक ले लो जिस लेवल का वो डिस्पैच ने आपके लिए शिक्षा का लेवल तैयार किया है, तो आपको निश्चित ही रोजगार मिलेगा, ठीक है। और ये लोग रोजगार उस समय में सिर्फ और सिर्फ आर्मी के बेसिस पे नहीं दिया करते थे, अब जो शिक्षाओं का विस्तार था उसके बेसिस पे जो रोजगार है, अब रोजगार आगे चल के सिविल सेवाओं में भी भारतीयों को मिलना शुरू हो गया था। 1853 का चार्टर एक्ट आया था इससे जस्ट इससे पहले, और 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर भारतीय लोगों को उच्च शिक्षा के साथ साथ सिविल सेवाओं में भी भागीदारी की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही क्लॉज उसमें इम्पोर्टेंट था, यही वाला कि भारतीयों को क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी कि वो अब सिविल सेवाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि वो भारतीय सिविल सेवाओं में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके सेंटर भारत में नहीं होंगे। कहाँ उन्हें एग्जाम देने जाना पड़ता था? लंदन में एग्जाम देने जाना पड़ता था, ठीक है। तो कई सारे भारतीयों का सिलेक्शन इसके अंदर हुआ भी था, और कई सारे भारतीयों ने इसमें अपनी रोजगारी लेवल के बेसिस पे अपनी एक पोस्ट भी डेवलप की थी, तो रोजगार डेवलप हुआ, भारतीयों को उसके अंदर इंक्लूड किया गया सर्विसेज में। तो ये वुड डिस्पैच का एक क्लॉज है, शिक्षा का और रोजगार, ठीक है। अब देखिए वुड डिस्पैच के अंदर ये जितने भी 15 क्लॉजेस आपने पढ़े, 15 के 15 क्लॉजेस बहुत बेसिक से क्लॉजेस है। अगर कोई भी शिक्षा को पॉजिटिव वे में डेवलप करना चाहता है तो वो यही सारे कार्य करेगा, ठीक है। इससे कुछ अलग शायद ही कुछ करने को, है ना, वरना कोई भी शिक्षा को अगर डेवलप करना चाहेगा तो वो बेसिकली किसके ऊपर जोर देगा? रोजगार के ऊपर देगा, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर देगा, ठीक है, या फिर विकास ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग जिस तरीके की होती है उसके ऊपर देगा, ठीक है, या फिर नीचे तबके के जो लोग हैं उन लोगों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। तो यही सब इसके अंदर हुआ बेसिकली। लेकिन अब वुड डिस्पैच के कुछ गुण और अवगुण दोनों बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि वुड डिस्पैच के गुण क्या है, अवगुण क्या है, मतलब आप इसके बेसिकली जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं दोनों के बारे में आप जानोगे। क्योंकि अभी तक आपने जितना पढ़ा सब आपको गुण ही गुण दिख रहा है, मेरिट्स ही दिख रही है, सब पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर कई सारे नेगेटिव तथ्य छुपे हुए हैं, और वो नेगेटिव तथ्य क्या है वो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बस चरण चले जाए, पहले तो देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स के अंदर बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स के ऊपर खड़े होंगे। पहली चीज तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा जब एक वुड डिस्पैच ने अपने इस अधिनियम को भारत के अंदर लाया होगा, क्योंकि इससे परिवर्तन की फॉर्म में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो वुड डिस्पैच ने क्या बोला कि भारतीय शिक्षाओं का लेवल अंग्रेजी शिक्षाओं के लेवल के बराबर है, दोनों को इक्वल कर लिया, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। माध्यम जो थे जिसको लेके लगातार कंफ्यूजन चलता था, भारतीय लोग दो वर्गों में डिवाइड हो गए थे, और कौन से वर्ग? एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, दो वर्ग जो थे वो आपस में डिवाइड हो गए थे। और ये वर्गों का जो डिवीजन था, ये वर्गों का डिवीजन ये अंग्रेजी जो शिक्षाओं को भारत के अंदर लाते थे उसकी वजह से हुआ था। तो ये माध्यम का इन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया और बोला कि जिसको जिस विषय में और जैसी लैंग्वेज में शिक्षा लेनी है वो वैसी लैंग्वेज में शिक्षा ले सकता है, ठीक है। और बेसिकली ये तो छोड़ो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसने भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को डिग्री के बेसिस पे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। बड़े विश्वविद्यालय जो बड़े डिग्रीज लेते थे या कोई भी ऐसे कोर्सेज को किया करते थे, उनके पास जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज का ही पार्ट बने, उनके पास ये था कि यूरोपीय कंट्रीज बहुत सारे व्यापार लोगों को या फिर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती थी, तो कई सारे भारतीय यहाँ से यूरोप जा जाके अपनी सर्विसेज दिया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग बहुत बड़ा देखोगे अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर जब महात्मा गांधी वहाँ पे वॉर करवा रहे हैं, वॉर करवा रहे हैं मतलब वॉर में सहायता करवा रहे हैं, ठीक है, वॉर में सहायता जो करवा रहे थे वो वॉर की सहायता किसको करवा रहे थे? अंग्रेज और भारतीयों के बीच का युद्ध वहां पे भी है अफ्रीका के अंदर, मतलब अफ्रीका में भारतीय क्या कर रहे हैं फिर वहां पे, तो भारतीय बेसिकली किसके लिए जाते थे?
रोजगार के लिए जाते थे, क्योंकि ये हायर डिग्री डिग्रीज प्राप्त करते थे और ये पूरे विश्व में ढूंढा करते थे कि हमको रोजगार कहाँ मिलेगा। तो कुछ भारतीय अफ्रीका में रह रहे हैं, कुछ भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं इस समय, कुछ भारतीय इंग्लैंड में रह रहे हैं इस समय। तो ये भारतीय वहां कर क्या रहा है? वो भारतीय यहाँ पे डिग्री कोर्सेज कर करके यूनिवर्सिटी से बाहर जाया करते थे रोजगार करने के लिए, ठीक है। तो ये भारतीय वहां पर बेसिकली रहा करते थे, ठीक। इसके बाद भारतीय साहित्य और संस्कृति की वैल्यू बढ़ गई अगेन फिर से वो डिस्पैच के थ्रू, और उनके मूल्यों को अगेन फिर से थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया था इस वजह से वो डिस्पैच। संस्कृत कॉलेज नहीं आया ना? संस्कृत कॉलेज तो पहले आ चुका है, बनारस वाला। ठीक है, इसके बाद में ये फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त किया गया था, ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी की बेसिकली बात करें हम लोग, ये सिद्धांत जो है जिसको अभी अरुण तो पूछ भी रहे थे इस आर्टिकल में, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था, डायवर्ट फिल्ट्रेशन थ्योरी, हायर क्लासेस के लोगों को शिक्षा सबसे पहले दी जाएगी ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो इसको बोला जाता था फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब फिल्टर करके कुछ लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी, और हायर क्लासेस के वो लोग होते थे जिसके अंदर, हायर क्लासेस के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कास्ट के बेसिस पे भी कर रहा हूँ, अगर मैं हायर क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक बेसिस पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब उनके आर्थिक जो कह सकते हो आप लोग, आर्थिकी जो थी जिस हिसाब से वो मजबूत थे ऐसे लोगों को पहले शिक्षा दी जाएगी, और दूसरा कास्ट सिस्टम की हायरार्की में जो ऊपर लोग हुआ करते थे उनको पहले शिक्षा दी जाएगी। अब ऐसे सिद्धांत को यहाँ पे लाके समाप्त कर दिया गया और बोले आम जनता भी जो है, जैसा कि हमने देखा अभी पीछे कि सभी वर्गों के शिक्षाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहा वो डिस्पैच, तो यहाँ पे हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षाओं को मजबूत करने की बात हो रही थी, ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना वगैरह तो आप लोग देख चुके हो, ठीक है। इसका पार्ट हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वो जो भी है वो भी बात हो गई यहीं पे फिल्ट्रेशन थ्योरी की, ठीक है। और ये भी बता दिया मैंने कि धनराशि वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती थी, ठीक है। मतलब लोगों को पैसा भी दिया जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, स्कीम्स वगैरह को चलाई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट महिलाओं की शिक्षा, ये भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। केंद्रीय बनी हुई है ना व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा भी केंद्रीय और भी है। हाँ, केंद्रीय प्रांतों में भी डिवाइड नहीं है, केंद्रीय फॉर्म है, केंद्रीय नहीं है, ठीक है। तो वो डिस्पैच जो है भारत में डलहौजी के द्वारा किया गया शिक्षा के इतिहास का एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है जिसके हमने बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या क्या क्लॉजेस थे वो 15 क्लॉजेस भी हमने इसके अंदर देख लिए। अब इसके नेगेटिव वर्ड्स देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो है वो डिस्पैच के डिमेरिट्स बेसिकली क्या है, ठीक है। देखिए वो डिस्पैच बोला गया कि भारतीय शिक्षा के लिए जहाँ एक और वरदान जिसे हुआ है, दूसरी तरफ इसके कई सारे डिमेरिट्स भी हैं, और उन डिमेरिट्स के अंदर पहला ही जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है कि घोषणा पत्र में ये बोला गया था कि जो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल रूप है उससे शिक्षा को व्यापक दृष्टिकोण दिया गया है, ठीक है, परंतु व्यावहारिक रूप से इसका उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन ही रहा है, ठीक। इसका मतलब बेसिकली ये है कि शिक्षा के उद्देश्य को जब यहाँ पे वर्णन किया जा रहा था तो शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए थ्योरेटिकल फॉर्म को ज्यादा उपयोग में लाया गया, मतलब ऐसा बोला गया कि लोगों को जो शिक्षाएं दी जा रही हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में ना देकर थ्योरेटिकल फॉर्म में ज्यादा दी जा रही है। और हम लोग एक तरफ बात क्या कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देंगे, और स्किल का डेवलपमेंट बिना प्रैक्टिकल चीजों के नहीं है पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अगर आप थ्योरी 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 पढ़ते रहेंगे तो किसी भी चीज को आप समझने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो कई चीजों की क्या होती है, प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी होती है, एग्जाम्पल्स जरूरी होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स जरूरी होते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं की जा रही थी, मतलब व्यावहारिक रूप से अगर आप देखा जाए तो शिक्षा को उस तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा था कि लोग उससे रोजगार प्राप्त कर पाए या अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। ये इसका एक अवगुण है, और ऐसे कई सारे अवगुण हैं जिसकी हम लोग धीरे धीरे करके बात कर रहे हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्षपातपूर्ण शैक्षिक नीति पर आधारित था बोर्ड का घोषणा पत्र। और अभी तक हम लोग जो पढ़ते हुए आ रहे हैं
उसके अंदर आप लोग ने देखा इन्होंने कास्ट सिस्टम के बेसिस पे शिक्षा को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं बोल रहे कि कास्ट जिसकी बड़ी है या आर्थिक रूप से जो ज्यादा मजबूत है उसको शिक्षा दी जाएगी, तो इससे तो पक्षपात पूर्ण तो नहीं दिख रहा शिक्षा का लेवल। क्या पक्षपात पूर्ण इससे दिख रहा है कि अंग्रेजों को ज्यादा शिक्षा दी जाएगी भारतीयों को कम शिक्षा दी जाएगी, इस बेसिस पे भी नहीं दिख रहा है। तो ये किस बात की पक्षपात पूर्ण की बात करना है, इस नीति में शिक्षा नीति में कहां से पक्ष बट रहे हैं, कौन से मतलब कौन से पक्षपात पूर्ण की बात यहाँ पे की जा रही है। सर इसमें तो स्त्रियों को भी बढ़ावा देने की बात कर लेते, साहित्य की भी बात कर लेते, जितना आप अपना अंग्रेजी ज्ञान पढ़ाएंगे उतना ही साहित्य को भी ज्ञान देंगे, तो कहाँ पक्षपात रहेगी। अगला ही पॉइंट इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है जो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। धार्मिक शिक्षा को समाप्त कर दिया जिससे भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंची और संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ढांचा फैल गया। ठीक है, अब इस बात के बेसिस पे दूसरा वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है कि नैतिक और धार्मिक शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। नैतिक शिक्षा बेसिकली क्या होती है, जो आप एथिक्स पढ़ते हो ना पेपर फोर के फॉर्म में, जहां आपको पता होता है कि कहीं किसी रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको उसकी सहायता पहले करनी है उसके बाद दूसरे कार्य को करना है, ये नैतिकता आप पढ़ते हो अपनी किताबों के अंदर अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, कहीं पे किसी को भी अगर एड देने की जरूरत है, हेल्प देने की जरूरत है, रास्ते में अगर किसी भी तरीका कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो कमजोर वर्ग का या तबके का ऐसा व्यक्ति होता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करा दो, ये नैतिकता सिखाई जाती है आज की किताबों में, होता है सर नैतिकता हमें पढ़ाई जा रही है, हमें सिखाई जा रही है, फिर कोई ऑफिसर बनेंगे और ये नैतिकता हमारे अंदर होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो नैतिकता का अभाव दिखता है बुक डिस्पैच में। वो डिस्पेंस सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एजुकेशन देता चला जा रहा है और वहां पे कोई भी ऐसी नैतिक या मूल्यों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पढ़ा देना, मतलब वैल्यूज भी किसके, ब्रिटिशर्स की स्टोरीज को सुना देना, भारतीयों की स्टोरीज को सुना देना, उससे नैतिकता डेवलप आपके अंदर नहीं होगी। नैतिकता के कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ सिलेबस कुछ पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप ग्रेजुएशन के अंदर आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया जाता है आज के समय में, नैतिक शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो नैतिक शास्त्र जैसी चीजों को कंपलसरी इसलिए कर दिया जाता है कि ग्रेड के बेसिस पे सही, लेकिन आपको उसको पास करना जरूरी है, एटलीस्ट आप पढ़ोगे तो इस बार में उसको, तो वो नैतिकता आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आज के समय में ऐसी नैतिकता वो मतलब बुक डिस्पेंस के समय में ऐसी नैतिकता बिल्कुल भी गायब की सिलेबस में से नहीं पढ़ाई जाती, तो लोगों के अंदर नैतिकता नहीं डेवलप हो रही, क्योंकि वो नैतिकता अगर लोगों के अंदर डेवलप कर देंगे तो अंग्रेज गलत दिखने लगेंगे ना, ब्रिटिशर्स गलत दिखने लगेंगे कि ब्रिटिशर्स तो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वो नैतिकता कैसे डेवलप कर देंगे, वो नहीं करेंगे ना। तो इसी के साथ साथ में धार्मिक शिक्षा को भी समाप्त किया गया था। अब धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है अगर, तो जैसे मैंने बोला मदरसा मकतब या पाठशाला गुरुकुल जहां पर शिक्षाएं दी जा रही थी अगर, तो उन शिक्षाओं के साथ में धार्मिक शिक्षाएं भी तो थी। ठीक है, वहां पे वेदों को पढ़ाया जा रहा है, गीता को पढ़ाया जा रहा है, रामायण के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इन्होंने ऑब्लिगेशंस लगा दिए, इन्होंने बोला कि शिक्षा का जो लेवल है वो हर जगह समान होना चाहिए और लोगों को शिक्षा जो दी जाए वो धर्म के बेसिस पे ना दी जाए, तो धार्मिक बेसिस पर शिक्षा के आधार को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो मतलब अब आप मदरसे में अगर एडमिशन लोगे तो वहां कुरान नहीं पढ़ोगे आप, वहां सिलेबस पढ़ोगे आप जाके सिंपल फॉर्म में, है ना। तो ऐसी चीजों को वहां पे समाप्त करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए हमने ये बोला है कि ये पक्षपातपूर्ण शैक्षिक नीति है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को एक तरफ से पूरी परमिशन है कि वो भारत के अंदर अपने धर्म के बेसिस पर शिक्षा दे सकते हैं और एक तरफ भारतीय धर्म के बेसिस पर शिक्षा को रोका जा रहा है, तो ये क्या है पक्षपातपूर्ण इसके बेसिस पर, तो वो डिस्पैच का एक पक्ष ये आप देखने में मिलता है। ठीक है, भारतीयों के बारे में कुछ लिखा करते थे तो उतना सम्मान भारतीयों को नहीं दिया जाता था जितना सम्मान ब्रिटिशर्स को दिया जाता था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्रांतिकारियों को ऐसा दिखाया जाता था कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा काम किया और भारतीयों ने जो काम किया वो उनकी मजबूरी थी या जो भी है उनको नीचा दिखाने के लिए ऐसा लिखा जाता था। तो जब भी आप कोई साहित्य पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो जब भी जो भी रूपरेखा आपके सामने खींची जाती है तो आप उस रूपरेखा के बेसिस पे ही तो समझते हो सारी चीजों को,
तो भारतीय लोग भी जब इसको समझना शुरू करे तो उनको भी ऐसा ही लगा कि ब्रिटिशर्स महान होंगे, और भारतीयों ने सच में कोई कार्य ऐसा नहीं किया। जैसे आज के समय में अगर आप बहुत खूबसूरत जगह पर भी चले जाओ कहीं भारत के अंदर, ये भारतीयों की ही गलती है, विदेशियों की गलती तो बाद में है, तो कहीं भी किसी भी बहुत खूबसूरत जगह पर चले जाओ तो आप क्या कहते हो, ऐसा लग ही नहीं रहा ये भारत में है, ऐसा लग ही नहीं रहा ये इंडिया का पार्ट है, इतना खूबसूरत है, बोलते हो ना, क्यों बोलते हो, एक्चुअल में तो इंडिया की पार्ट है ना, आप तो आप उसको कंपेयर कैसे करते हो, लंदन से करना तो शुरू कर दोगे, है ना, ये लंदन की तरह है, अमेरिका में होगी इतनी खूबसूरत जगह तो, या स्विट्जरलैंड लग रहा है ये तो भारत का, ऐसी ऐसी जगह बोलते हो आप, भारत की जगह को भारतीय जगह क्यों नहीं मानने को तैयार, क्यों, क्योंकि हमको पढ़ाया ऐसा गया है, हमको ऐसा बताया गया, हमारी रूपरेखा दिमाग में ऐसे ही खींची गई है कि अच्छी चीजें सब भारत के बाहर ही और जो बेकार चीजें वो भारत में लाके भरती गई, ठीक है, तो ऐसा ही सिखाया गया है, तो इस वजह से हम लोग जो पढ़ते वो बैठ जाता दिमाग में, और उस समय तो बहुत हाई लेवल पे ये सब पढ़ाया जा रहा था, सोचो आज के समय में तो फिर भी हम देशभक्त हैं, उस समय में तो लोग देशभक्त भी नहीं थे, कॉन्सेप्ट ही नहीं आया देशभक्ति वाला, तो कहां से होंगे देशभक्त, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे वुड डिस्पेस का प्रभाव जो पड़ा वो इस तरीके से पड़ा, ठीक है, माध्यम के रूप में माना तो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोला गया है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में शिक्षा ले सकते हो, लेकिन फिर भी महत्व ज्यादा किसको दिया जाता था, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जो लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा लेकर आते थे उनको क्या बोला जाता था कि तुमको पहले नौकरी देंगे, तुम अंग्रेजी माध्यम के हो, ठीक है, अब तुमको पहले नौकरी देंगे, आप पीलीभीत में किसी भी स्कूल के अंदर चले जाना, आज की बात बता रहा हूँ, तब की तो छोड़ दो, आप पीलीभीत के किसी भी स्कूल के अंदर चले जाना, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्कूल में है तो यूपी के अंदर ही, बाहर तो नहीं है यूपी के, और वो साफ साफ बोलते हैं आप यूपी बोर्ड से पढ़े हो, नहीं देते चलो बाहर, सीधा बाहर कर देते, यूपी बोर्ड से अगर आपने ट्वेल्थ किया है वो बाहर कर देंगे आपको, भले से आपको इंग्लिश के ऊपर कितनी भी अच्छी कमांड होगी वो पहले आपकी मार्कशीट देखते हैं, आपने यूपी बोर्ड से उत्तर पास किया तो हम आपको लाइन्स में नौकरी नहीं देंगे, हम आपको बैनर में नौकरी नहीं देंगे, हम आपको एलआईसी में नौकरी नहीं देंगे, पढ़ने में मना करते हैं, पढ़ने के भी अगर आपने हाई स्कूल किया है यूपी बोर्ड से तो आपको एलआईसी में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है एडमिशन, तो अब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए एक समाज के तबके का शोषण भी तो कर रहे हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सच में इंग्लिश में कमांड है और वो आपके स्कूल के काबिल है तो आप उसको क्यों नहीं रखा, लेकिन साफ मना कर दिया जाता है, तो ये आज के समय में देख रहे हैं हम आजाद भारत के अंदर जहाँ हिंदी माध्यम का वर्चस्व है वहां देख रहे हैं, तो सोचो साउथ में क्या होता होगा, साउथ में तो हिंदी वालों को भगा के मारते होंगे, वहां तो हिंदी से बहुत नफरत करते हैं, वहां के लोग ऐसा करते हैं, तो कहते हैं हम कन्नड़ में बात करो, हमसे तेलुगु में बात करो इंग्लिश, है ना, हमसे इंग्लिश में बात करो, हिंदी क्या होती है, वो हिंदी को ना तो कभी राष्ट्रभाषा मानेंगे और ना कभी माना है उन्होंने, तो वहां के लोग तो ऐसे होते हो, तो भारत के ही लोगों के अंदर ये सारी विचारधाराएं हैं, तो बाहर के लोगों का क्या कर सकते हो, है ना, तो अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और इस फायदा के थ्रू ये सारी हमको चीजें देखने को मिल रही है, मतलब नौकरी पाने के लिए भी हमको अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को वरीयता पहले दी जाती थी, बाद में फिर हिंदी माध्यम को अगर नहीं मिला कोई तो रख लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ करता था, ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा, ये तो ठीक है, चलो बाद में वही वाली बात होगी, देखिए व्यावसायिक शिक्षा की जो बात हो रही थी वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बारे में भी ये बात लिखी हुई है, नौकरी पाना मकसद था ना कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारतीयों को बनाने की बात जो इसके अंदर हो रही है वो बेसिकली ये लोग यही कहना चाह रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग लोगों को जो दी जा रही है उसका मतलब लोगों ने हिसाब से बोला था कि हम आपको उसके बाद रोजगार देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग देके आत्मनिर्भर बनो जाके, खुद ही अपनी नौकरी खुद करो जाके, ऐसा नहीं, ठीक है, तो इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे वोकेशनल ट्रेनिंग के फॉर्म में वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर लागू नहीं हुए, ठीक है, तो इसको भी आप नेगेटिव इम्पैक्ट में कह सकते हो। अगला, विश्वविद्यालय जितने भी खुले थे उनका नेचर कि बिल्कुल भी भारतीय नहीं था बल्कि अंग्रेजी था, ठीक है, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना जो की जा रही थी उसमें भी अंग्रेजी शिक्षाओं को ज्यादा दिखाया जाता था और भारतीय शिक्षाओं को पूरी तरीके से साइड कर दिया जाता था, ठीक है, तो बोला क्योंकि जब आपको नौकरी ही मिल रही है, जब आप मॉडर्न एजुकेशन के फॉर्म में अंग्रेजी माध्यम को चुन के अंग्रेजी विषय के ऊपर रिसर्च करोगे तब आपको नौकरी देंगे, अगर आप किसी हिंदी साहित्य के ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको नौकरी नहीं देंगे, तो भारतीय जनता भी क्या करेगी, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने की कोशिश करेगी ना, क्योंकि उसको नौकरी उसमें मिल रही है,
तो वो वही करेगी। तो इस वजह से यहाँ पे विश्वविद्यालयों की प्रकृति कैसी बन गई थी, भारतीय तो बिल्कुल नहीं थे, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ था। ठीक है, आप इसको इसमें देख सकते हो। देखिए सांप्रदायिकता की बात थोड़ी सी आ जाएगी यहाँ पे। जैसा कि इसके अंदर बोला गया था कि हम लोग जिस घोषणा पत्र को जो ला रहे हैं उसके अंदर समान शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन समान शिक्षा के अंदर जैसा कि ईसाई शिक्षा जो है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था और लगातार ईसाई शिक्षा को लेकर समितियां बन रही हैं, काउंसलिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स होते थे, बड़े बड़े तरीके से लोगों को कलेक्ट किया जाता था, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए लोगों को प्रमोट किया जाता था, फ्री में एजुकेशन दी जाती थी। ये सब किसमें होता था? ईसाई शिक्षाओं में होता था कि किसी को अगर क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो सबको ये फैसिलिटीज मिला करती थी। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय शिक्षाओं की बात की जाए जिसके अंदर अगर हम लोग हिंदू आइडियोलॉजी की शिक्षा की बात करें, इस्लामिक आइडियोलॉजी की शिक्षा की बात करें, उनको पूरी तरीके से साइड कर दिया जाता था। तो लोग क्या करेंगे, जहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है वहीं तो एडमिशन लेंगे जाके, है ना। और फ्री एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में मिला करती थी तो लोग क्या करते थे, पैसे नहीं हमारे पास, हम चलो फ्री एजुकेशन प्राप्त करते। तो जो भारतीय समाज का एक निचला तबका था आर्थिक रूप से, उस आर्थिक रूप को भी मैंने बताया था ना, इन्होंने बराबर कर दिया। इकोनॉमिक बेसिस पे भी शिक्षा सबको देने लगे, अगर कोई कमजोर है तो भी शिक्षा लुवा के, लेकिन उन कमजोर वर्गों को इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, अंग्रेज बनाना शुरू कर दिया, अंग्रेज की आइडियोलॉजी वाला बनाना शुरू कर दिया। क्या लालच देंगे कि तुम हमारी अंग्रेजी शिक्षा लुवा के हम फ्री में दे तो रहे तुम शिक्षा, तो लोग क्या करें तुरंत अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पार्ट था। ठीक है, बजट बजट तो लगातार आते रहते थे और उसमें व्यय सबसे ज्यादा अंग्रेजी शिक्षाओं पे ही हुआ करता था। ठीक, बस इतना बहुत है समझने के लिए, लगभग 10-12 पॉइंट हो गए। 10-12 पॉइंट भी अगर आप लोग इसके नेगेटिव सेंस के फॉर्म में जान लोगे तो बहुत सफिशियंट है। और वैसे भी ये नोट्स दूंगा तो 18 पॉइंट से 18 में से अगर आपको 10 भी याद रहेगा तो बहुत सफिशियंट है। ठीक है, और इतना समझाने के बाद 10 भी याद नहीं रहेंगे तो सबको पिटाई भी लगेगी और क्लास से बाहर भगा दिया जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट्स तो कम से कम आपको दोनों में गुण और अवगुण के याद हो जाने चाहिए इतना सब समझाने के बाद, क्योंकि वुड डिस्पैच पे हम लोगों ने अच्छा खासा समय दिया है, क्योंकि वुड डिस्पैच आपका जो प्रीलिम्स है मेंस है इसके पार्ट होने के साथ साथ में इंटरव्यू में शिक्षा के विस्तार को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय शिक्षा, क्योंकि आप एक शिक्षा के माध्यम से ही अधिकारी बनने जा रहे हो और वो शिक्षा के माध्यम में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, खासकर इतिहास के ऑप्शनल विषय वाले बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, भारत के अंदर शिक्षा की विस्तार नीतियों के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखिए, तो आपको वहां पे गुण और अवगुण हर एक शिक्षा के माध्यम में लिखना पड़ेगा। जैसे मैकाले में भी हम लोग देख के आए, कई सारे पॉजिटिव्स थे नेगेटिव्स थे, लेकिन मैकाले बहुत डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, जितना था उतना मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वुड डिस्पैच एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है जिसके बारे में प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों एग्जाम में इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड डिस्पैच के बाद में आते हैं लॉर्ड कैनिंग अगेन। फिर अब ये जो है लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट का मतलब एक बार तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के फॉर्म में रहेंगे और एक बार वायसराय बन चुके होंगे। ठीक है, तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे तो इसी समय में क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह हो गया था और इसी समय में 57 के बाद में 1858 का अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत क्या दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त किया गया, मराठा की पोस्ट को समाप्त किया गया, मुगल की पोस्ट को समाप्त किया गया। पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये सारी चीजें, तो 1858 का अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये जैसा लिखा हुआ है, और इसी समय में क्या करा गया था, हड़प नीति को वापस ले लिया गया था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस ले लिया गया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वापस लेने की बात चर्चाएं यहाँ पे हुई है, लेकिन अभी हम लोग ये एक्ट पढ़ेंगे 1861 का, ये कहलाता है काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो अभी काउंसिल एक्ट आएगा इसके समय में, ये लिखा हुआ है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। बेसिकली इस अधिनियम के तहत इसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आगे चल के इसको देखना ही है हमको, तो अभी बात करेंगे बाद में।
गवर्नर जनरल से पहले अंतिम गवर्नर जनरल से पहले वायसराय बन जाते हैं भारत के, क्योंकि 1852 में जो अधिनियम पारित हुआ उस अधिनियम ने इनको भारत का पहला वायसराय बना दिया, क्योंकि वायसराय अब कंपनी के अधीन नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी का कोई रूल नहीं बचा, तो ये वायसराय डायरेक्ट किसके अधीन जाएगा, क्राउन के, मतलब ब्रिटिश क्वीन जो है उनके सीधे सीधे ये अधीन में आ जाएगा। मतलब ये अब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, सीधा क्वीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, महारानी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जो महारानी उसे कहेंगी, जो आदेश पारित करेंगी, वो आदेश ही भारत के ऊपर लागू किया करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में जब ये वायसराय बने, तो वायसराय बनने के बाद में इनके कार्य क्या क्या रहे, ठीक है। पहले तो ये चीज है कि 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, जो बोला जाता है कि भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है, ठीक है। तो ये 61 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, अगेन फिर ये टॉपिक बन जाता है मेंस का, ठीक है। मैं जितने भी एक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजों पे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, वो मेंस के पार्ट बन जाते हैं, जैसे 13, 33 और अब जैसे 61 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी है वो प्रीलिम्स के पैक में एक आध क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया, अदरवाइज कभी ऐसा पूछा नहीं जाता। इन्हीं के समय भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया पारित की गई 1859 में। पीछे भी हम लोग ने एक बार बात की थी इसके बारे में, भारतीय दंड संहिता के बारे में, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित किया गया, और उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारतीयों को भी कुछ अधिकार दिए गए कि वो अपने बेसिस पे भी जस्टिस सिस्टम में भागीदारी ले सके, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ था भारत के अंदर। पहली बार भारत में आयकर कर लागू किया गया। आयकर कर जो भी आपकी सैलरी के ऊपर कर लगेगा उसको आयकर बोला जाता था। अभी तक ऐसा कभी नहीं होता था कि भारत में आय के ऊपर कर लगाया जाए, आपकी इनकम के ऊपर कर लगाया जाए। ऐसा कब हुआ, पहली बार लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। अब ये विश्वविद्यालय की बात तो की थी हमने, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास जो 54 के कुछ डिस्पैच में बात की गई थी, अब यहाँ पे आके वो फाइनली बना दिए गए, तो फाइनली समय में बन जाते हैं। डिटेल में बात करनी है 1861 के अधिनियम, 1861 के अधिनियम या प्रावधान के ऊपर चले। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, अंग्रेजी में एक वर्ड याद रखिएगा डीपो, ठीक है। अंग्रेजी में एक वर्ड याद रखिएगा डीपो बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने ये डीपो वर्ड याद कर लिया तो मुझे याद है पिछले 15-20 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं 1861 के काउंसिल एक्ट से, वो इससे सॉल्व हो गए, ठीक। और ये है क्या, ये बेसिकली डीपो जो है इसका एक फुल फॉर्म है, जिसमें डी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब वही हड़प के देते हुए उत्तर का सिद्धांत बोला गया इस एक्ट के थ्रू, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। पहले डी का क्या मतलब है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या व्युत्पन्न का सिद्धांत, इसको क्या करा गया, समाप्त कर दिया। आई का मतलब यहां पे है इंडियनाइजेशन, ठीक है। इंडियनाइजेशन का मतलब है भारतीयकरण, मतलब अब जैसा कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाते थे, उसी में क्या हुआ, काउंसिल्स जो बनाई जाती थी, पहले काउंसिल याद है, इंडियन काउंसिल बनती थी, ब्रिटिश काउंसिल बनती थी, बिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब बनती थी। इन सारी काउंसिल्स में क्या करा जाता था, सिर्फ अंग्रेजों को रखा जाता था, ऐसा होता था। लेकिन ये वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसने भारत के अंदर जो काउंसिल अब है, उस काउंसिल में 3 मेंबर्स भारतीय चुने, कितने, 3, और वो 3 मेंबर्स अब भारतीय काउंसिल में अंग्रेजों के साथ में बैठा करेंगे। तो इसने क्या करा, भारतीयकरण कर दिया, ठीक है। इंडियनाइजेशन, पहली बार भारत के अंदर भारतीय लोगों को परिषद का हिस्सा बनाया जा रहा है, ऐसा इतिहास में अभी तक तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों को मौके देना शुरू कर दिए थे, क्या क्यों, ऐसा क्यों हुआ, 1857 का इंपैक्ट, ठीक है। 1857 हुआ था, बड़ा विद्रोह हुआ ऐसे में, और भारतीयों को कुछ लालच भी दी नहीं कि भारतीय हमारे साथ बने हैं, तो इससे क्या करना पड़ेगा, कुछ भारतीय लोगों को अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको जो है पोस्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन पोस्ट उनको देनी पड़ेगी। तो इन्होंने 3 भारतीयों को अपनी काउंसिल का पार्ट बनाया था, ठीक है, पढ़ेंगे अभी उनके बारे में भी आगे। अब पी फॉर देखिए इसके अंदर क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली बोला जाता है विभागीय प्रणाली को, विभागीय प्रणाली, जैसा कि अभी लोक सेवा विभाग अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग जो भी पढ़ा था हमने, उसी तरीके के बहुत सारे विभाग भारत के अंदर बना दिए गए,
अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, शिक्षा के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, रोजगार के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, कृषि के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। तो हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए और उन डिपार्टमेंट्स के तहत अब लोग वहां पे अपने कार्य को कराना जो भी है जा सकते थे कराने के लिए। तो ये डिपार्टमेंटल सिस्टम नाम कब शुरू हुआ, ये विभागीय सिस्टम बेसिकली भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है, जिसमें पी का मतलब है पोर्टफोलियो सिस्टम, वो है जो बेसिकली इसको बोला जाता है अदर्स, मतलब अन्य की बात करेंगे हम लोग, और वो अन्य कुछ नीचे दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चार अगर डीपो वाला कॉन्सेप्ट भी याद कर लेते हैं आप, तो मैंने पिछले 15 साल बताया आपको, इन 15 साल में अगर 1861 से क्वेश्चन आया है तो सिर्फ और सिर्फ इस डीपो शब्द से सॉल्व हो गया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया पहली बार भारतीयकरण कब हुआ, ठीक है, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुआ। पहली बार भारतीयों को परिषद का पार्ट कब बनाया गया, 1861 के अधिनियम के तहत बनाया गया। पहली बार विभागीय प्रणाली भारत में कब लागू की गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस हार्ट की तिथि कब समाप्त कर दी गई, ऐसे ही क्वेश्चन पिछले कुछ समय में आए हैं, ठीक है, और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आए, चाहे लाइनर के फॉर्म में आए, आप सिर्फ इससे इसको सॉल्व कर ले, ठीक है, तो वो को अदर कर दो, वो को अदर अन्य में कर दो, वो अन्य अभी मैं बताने जा रहा हूं। प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने हैं मुझे, पीसीएस के भी और आईएस के, उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी आपके, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर तो सिलेबस ही हो जाए बड़ी बात है, जितने हाँ जितने मिले उसमें सिलेबस ही हो जाए तो बड़ी बात है। अब पिछले 10 साल के अगर आपको मैंने प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करा दिए पीसीएस के और आईएएस के, तो अब यकीन मानिए कि आप इतिहास के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आने वाले समय में छोड़ के नहीं आएंगे अगर वो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में आए, क्योंकि वो 10 साल के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शंस को डिकोड करेंगे, है ना, ऑप्शंस को डिकोड करने का मतलब ये होता है आप यूपीएससी के किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से अगर पूछोगे कि उसने कुछ अलग क्या किया था कि उसका प्रीलिम्स का एग्जाम कर गया, ठीक, तो माना एक क्वेश्चन आ रहा है अगर इसके चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन की डिकोडिंग की जाती है। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आया और उसके अंदर लिखा हुआ है ऑप्शन, अगर एक आया 1857 की क्रांति में कैनिंग का रोल, और ये दोनों शब्द यहाँ लिखे हुए ऑप्शन ए में, तो आपको 1857 के बारे में क्या क्या पढ़ना है और लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इसको कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। और जब आप किसी भी क्वेश्चन की डिकोडिंग कर लेते हो, तो जैसे अगर आपने 2023 के पेपर को डिकोड कर लिया तो आपको 2024 का पेपर अब समझ आ जाएगा कि आने वाले समय में क्या पूछेगा, ठीक है। तो जो यहाँ फैकल्टीज या मेंटर्स बैठ के जितने भी चीजों को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं या नोट्स या जो भी सिविल सर्विसेज से बेसिकली बैठ के प्रिपेयर करते हैं, वो हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं पेपर्स की डिकोडिंग करना, ठीक है। और अच्छा टीचर हमेशा पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के सॉल्व करके फिर क्लास में आएगा और फिर आपको बताएगा कि कहाँ उसकी इंपॉर्टेंस है और आपको क्या कितना पढ़ना है, क्योंकि हमको ये पता है। अब आप लोग जितने भी बैठे हो यहाँ पे, इसमें पिछले साल के कुछ बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, पिछले साल वाले बच्चों को जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया था, आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, मैं कुछ ऐसे नहीं पढ़ा रहा था, मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाई थी मॉडर्न हिस्ट्री, और इस बार मैं बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों, मेरे अंदर कोई जिद तो नहीं आया है कि जो अलग अलग तरीके से पढ़ाने की बात करो, मैं ये देख रहा हूँ कि 24 के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुझे वो पता है कि 24 के अंदर क्या क्वेश्चंस वो लोग बना रहे होंगे इस समय बैठ के, क्योंकि वो 10 साल का इवोल्यूशन अभी 23 के पेपर में और अच्छे से किया और 23 के पेपर को देख के डिकोडिंग करके ये बात पता चली है कि आने वाले समय में ये लोग किस चीज को टच करने वाले हैं। और इसकी डिकोडिंग का एक तरीका बहुत अच्छा होता है, वो ये होता है कि इस साल की जितनी भी न्यूज आ रही है लगातार न्यूज़पेपर्स में, जैसे खास करके हिंदू के अंदर, ठीक है, तो हिंदू न्यूज़पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है सिविल सर्विसेज वाले के लिए, उसके अंदर खासकर जितनी भी न्यूज़ आ रही है अगर आपने उन न्यूज़ की डिकोडिंग कर ली
तो वो डिकोडिंग भी आपके अगले साल के एग्जाम में काम आती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतिहास करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इतिहास करंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है, इतिहास भी करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। क्योंकि द हिंदू के अंदर कभी कोई आर्टिकल आ जाएगा इस तरीके का कि वुड डिस्पैच को अब आए हुए लगभग 200 साल पूरे हो गए और इसके बारे में चलिए थोड़ी समीक्षा करते हैं, बात करते हैं, और वो एक बड़ा सा आर्टिकल दे देंगे उसके अंदर, तो वो करंट के पेपर में ही तो आया हुआ आर्टिकल है, तभी तो उन्होंने आने वाले एग्जाम में पूछा है। तो करंट अफेयर्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हो। और जैसे IAS में नहीं होता है, एग्जैक्टली PCS में होता है, बस PCS में दाहिनी तो नहीं पढ़ना होता है, वहाँ मैगजीन्स का सारा आप देख लेते हो, जैसे घटना चक्र हो गई या दृष्टि हो गई या घटना साल हो गई, ऐसी मैगजीन्स में जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको कनेक्ट कर लो अपने सिलेबस के साथ में। तो अंधाधुंध आंखें बंद करके सिलेबस पढ़ना ही नहीं, इतना बड़ा सिलेबस है UPSC का आपका कि अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने पे आ जाओगे 10 साल लगेंगे कम से कम पूरी तैयारी करने में, और पिछले 8 सालों का सिलेबस भूल चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, इतना बड़ा सिलेबस आप नहीं खत्म कर पाओगे कभी। इसको खत्म करने का यही तरीका है कि आप डिकोडिंग करिए प्रीवियस ईयर की, बैठ के देखिए पूछ क्या आया है, वो लगातार किससे बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर करंट में बेसिकली चल क्या है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आइया है जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत के इस साल किसके साथ में संबंध अच्छे हैं और किसके साथ में संबंध खराब है, अब वो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब वो ये नहीं पूछेगा, इस बेसिस पे नहीं पूछेगा कि पिछले साल तो हमारे संबंध चाइना से बहुत खराब रहे तो हम चाइना के बारे में क्वेश्चन पूछा, नहीं, वो पिछला साल था गया, इस साल की बात करो, चाइना के साथ में संबंध कैसे, व्यापार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो इस साल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। तो डिकोडिंग बहुत जरूरी है, इसी डिकोडिंग को मेरे रहते हुए आप लोग करेंगे तो उससे बड़ा बेकार आदमी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्य मेरा है कि मैं आप लोग को डिकोडिंग कराऊं क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। और वो डिकोडिंग कराने के लिए आप लोग से बेकार आदमी कोई नहीं होगा अगर आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लेने नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा उसके। तो डिकोडिंग मैं कराऊंगा, सारी डिकोडिंग्स होंगी, और डिकोडिंग्स के लिए क्योंकि मुझे जो टाइम मिला हुआ है और जो मैं रह पाऊंगा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ 31st December तक, इसके बाद शायद मैं आपको दूरबीन से भी नजर ना आऊं, ठीक है। तो 31st December तक जितनी बेसिक चीजें और जो भी मैं आपको दे सकता हूँ इसी टाइम पीरियड में देना, और क्योंकि 19 तारीख हो गई आज, है ना, मैक्सिमम 12 दिन, ठीक है, और इन 12 दिन के लिए, और इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होंगे। अब वो एक्स्ट्रा क्लासेस में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो बन रही है 12 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि उससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी आपके होते हैं और 2 क्लासेस के बीच में टाइम भी नहीं है, संडे को ये बंद रहेगा, यहाँ पे आने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, तो संडे को बंद करेंगे। किस बात, हाँ गेट है, लेकिन उसको लेके भी परमिशन मिले ना मिले इसको लेके मैं डाउटफुल हूँ, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर संडे संडे में हम लोग 5-6 घंटे में पढ़ के पढ़ा के खत्म कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। 3 क्लासेस लेंगे ना 1.5-1.5 घंटे और उसमें आपको 15-15 मिनट का गैप दे दिया जाएगा ऐसे करके, तो वो लगभग 5-6 घंटे और बीच बीच में एक आध समोसा पार्टी हो जाएगा, चलता रहेगा साथ साथ में ऐसा, तो अगर हो जाएगा ऐसा तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा तो 12 से 1:30 का टाइम हमें मिलता है जिसमें 2 बजे से 1:30 बजे से अप्रोक्सिमेट 2 बजे नीट के क्लासेस शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम इसको देख सकते हैं, तब भी समोसा खाओगे, ठीक है, आप भूख क्या होगी ना घर से घर में ऐसा समय होता है ना, ये वाले लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मानिए अभी ये वाले जो लेक्चर्स चल रहे हैं ये तो एक सिलेबस को खत्म करने के लिए चल रहे होते हैं, लेकिन वो चैप्टर्स जो चल रहे होते हैं वो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में जब हम उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो वो वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये 10 साल का जो बेसिकली डिकोडिंग है इस डिकोडिंग को आपको कराना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कल हम लोग इस बात पर एक फाइनल डिसीजन भी ले लेंगे कि हम लोग को आगे 12 के बाद में क्लास कंटिन्यू करना है या फिर संडे में परमिशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, थर्सडे तक ये बात फाइनल हो जाएगी, ठीक है, थर्सडे तक फाइनल हो जाएगी और थर्सडे में हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे कि करना क्या है, और हाँ तो वही जो भी है कल जो है फाइनल कर लेंगे इस बात को,
और कल के बाद से क्लासेस जैसे होंगे, अगर संडे पॉसिबल होता है तो संडे क्लास होगा आपका, और अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मंडे से 12 से बाद में क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग या आप लोग से कनेक्टेड जो भी लोग हैं, जो लोग भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे एनरोल नहीं भी हैं, ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो लोग एनरोल्ड हैं, जो लोग एनरोल्ड नहीं हैं, और अगर वो ऐसे क्लासेस को लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ऐसे क्लासेस को कर सकते हैं। और ये आप लोग अपने अपने मित्रों तक की बात पहुँचा दीजिएगा कि ऐसे क्लासेस को शुरू करने की बात हो रही है। और यकीन मानिएगा, जो भी बच्चा वो क्लास करके यहाँ से बाहर निकलेगा, इस साल जो भी एग्जाम देगा उस एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन इतिहास के तो गलत नहीं करेगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। बस ये मैं सच बता रहा हूँ, और मैंने ऐसा ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे बच्चों को दिए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो आगे चल के मौका मिले ना मिले, इसलिए इसको अभी कर देते हैं। तो देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम इसके ऊपर आते हैं। सुनो, चलो बस सुनो, मेरी तारीफ मत करो। हाँ, भारतीय परिषद अधिनियम, इसके अंदर जो बेसिकल क्लॉजेस हैं उन क्लॉजेस की बात हम लोग करेंगे। हाँ ठीक है, देखो, परिषद के कार्यकारी कार्यों के लिए पांचवा सदस्य जोड़ा जाता है, ठीक है, पांचवा सदस्य जोड़ा जाता है। बड़े हो जाओ, कब बड़े हो गए, इंसान बन जाओ, इंसान का बोलो, बालकन के साथ बैठना है तो फिर बालकन के बालक तुम कैसे जाते, तुम बैठते हो, किसी ने बोला तुमको बैठने, पांच बैठना है, इतनी सीटें खा ली है, इधर खा ली है, उधर खा ली है, क्यों बैठना तुम्हें, ना वो लोग चाहती तो मुझे बात एकदम नहीं चाहती, क्यों बैठते हो, पांचवा सदस्य इसमें ऐड किया गया, ठीक है। और मेरी छोटी बहन, हाँ पता है, मुझे पता है, मैं भी उसी सेंस में, पांचवा सदस्य इसके अंदर ऐड किया गया। और सार्वजनिक कार्य के लिए छठा सदस्य, जैसा मैंने बताया था कि जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू अगेन फिर चौथा सदस्य ऐड किया गया था, किसको, मैं कादे को, 1833 आया था चार्टर एक्ट, अगेन फिर चौथा सदस्य ऐड किया गया था। अब ये काउंसिल के साइज को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6, कितना कर दिया गया, 6। अब 6 इसके अंदर टोटल सदस्य हुआ करते थे, और इन सदस्यों में से जो पांचवा सदस्य ऐड किया गया था वो कार्यकारी कार्यों के लिए, कार्यकारी ऑफिशियल वर्क जो ऑफिसेस होते, डिपार्टमेंटल सिस्टम शुरू हो गया था यहाँ पे, और डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन, एक पांचवा सदस्य आगे संभालेगा। और छठे सदस्य को जो बेसिकली ऐड किया गया था वो बोला गया सार्वजनिक कार्यों के लिए, मतलब बेसिकली जितने भी सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अंदर, जैसा कि समाज कल्याण विभाग है आपका, ऐसे तमाम विभागों के लिए छठा सदस्य इसके अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। तो टोटल कितने सदस्य हो गए इसमें, 6 सदस्य इसके पास बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रणाली, जैसा कि मैंने उसमें बता दिया आपको, इसके अंदर बेसिकली विभागीय प्रणाली को शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए, एक और थी गवर्नर जनरल की परिषद कहलाती थी, वो तो इंडियन काउंसिल थी, ठीक है। अब ये क्या थी, गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जहां पे गवर्नर जनरल रहता था, और उसके अलावा जो 6 सदस्य थे उनको अब कितना कर दिया गया, 12 सदस्य कर दिया गया। और जो 6 अतिरिक्त इसके अंदर ऐड किए जाते थे वो कैसे होते थे, मनोनीत होते थे, मतलब नॉमिनेटेड सदस्य हुआ करते थे, मतलब गवर्नर जनरल जिनको चाहेगा उनको इसका पार्ट बना सकता है, और वो भारतीय भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं, भारतीय भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे 3 भारतीयों को भी इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है। अब ये सदस्य कैसे हो सकते थे, भारतीय भी हो सकते थे, और मनोनीत सदस्यों के लिए कंडीशन लगाई गई थी, इन्होंने 1861 के एक्ट के अंदर भारतीयों को जगह तो जरूर दी लेकिन उनकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे हम काउंसिल के अंदर सदस्य बनाएं और ये भारत के अंदर हमारे डिसीजंस को आगे किसी तरीके से पैसिफाई करें या उसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो जितने भी मनोनीत सदस्य थे वो भारतीय थे, और मनोनीत सदस्य को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं था कि वो काउंसिल के किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी भाग के अंदर या कोई भी वर्ग के अंदर आके इंटरफेयर करें। अपनी राय जरूर रख सकते हैं लेकिन उनकी राय गवर्नर जनरल मानेगा या नहीं मानेगा ये उसकी वीटो पावर है, ठीक है। तो वो माने चाहे ना माने ये गवर्नर जनरल के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था इनको, बेसिकली
और इनमें से कम आधे अतिरिक्त गैर आधिकारिक या ब्रिटिश या भारतीय होने थे, ठीक है। जैसा मैंने बताया या तो ब्रिटिश भी हो सकते हैं या भारतीय भी हो सकते हैं, और हर दो साल के अंदर उनको चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब परमानेंसी ना आ जाए किसी तरीके की, ये सदस्य जो हैं अपना डिक्टेटरशिप ना चलाने लगे इस कार्यालय के अंदर, इस वजह से हर दो साल के अंदर इनको चेंज भी किया जाएगा, ठीक है। अब इन सदस्यों में था कौन कौन, ये नाम देख लीजिए, बेसिकली पोस्ट देख लीजिए। एक तो बनारस के राजा थे, इस समय प्रिंसली स्टेट्स को बेसिकली इसके अंदर लाया गया था। क्यों पहले? क्योंकि प्रिंसली स्टेट लगातार वफादार थे इसके अंग्रेजों के, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। पटियाला के महाराजा को लाया गया था, और तीसरा सर जिंदर राव को लाया गया था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति थे, एक लौते, ठीक है। बाकी सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को इसके अंदर ऐड किया गया था, तो इन लोगों को यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। और ये 1862 के अंदर इन तीन भारतीयों को परिषद का पार्ट बनाया गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी देखिए लिखा हुआ है, अगर आवश्यक होगा तो वायसराय के पास परिषद को खारिज करने की क्षमता, ठीक है। और परिषद अगर आ जाए उत्पाद के ऊपर, जैसे संसद के अंदर अभी हुआ प्रेजेंट टाइम में, कि अपोजिशन के मेंबर्स ने उत्पाद मचाया, जो भी मचाया, उसके थ्रू ओम बिरला जी को ये पावर थी कि वो उनको निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 141 निष्कासित हो चुके हैं ऐसा, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सदस्य को सीधा सीधा संसद से हटा दिया गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मिला के बता रहा हूँ, 141 सदस्य, ठीक है। तो मतलब संसद में हम सारे के सारे लोग भाजपा वाले बैठे हुए, ठीक है। तो संसद के अंदर कोई है ही नहीं इस समय, और अभी देखना कोई ना कोई कानून पारित हो जाएगा, कुछ ना कोई जो भी होगा कानून से पारित हो जाएगा, हो सकता है कोई कानून पारित हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी कानून को इनिशिएट कर दिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सदस्य में इस समय क्या देखी जाती है, निष्कासित वालों का कोई लेना देना नहीं है। जो संसद की मेजोरिटी अगर किसी बिल को पास कर देगी तो उसको एक्ट मान लिया फिलहाल, जो भी रीजन हो वो आप अभिषेक सर से पूछिएगा। सार्वजनिक राजस्व या ऋण जो भी थे, सैन्य धर्म या विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। गवर्नर जनरल को बेसिकली हायर अथॉरिटी बना दिया गया था यहाँ पे, तो गवर्नर जनरल जो भी थे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड मामला हो, सैनिकों से रिलेटेड मामला हो, या कर्ज से रिलेटेड भी मामला होगा, या कोई विदेशी मामला होगा, इस सब में फाइनल अथॉरिटी किसके पास थी, वो गवर्नर जनरल के पास में थी। ऐसा कब बोला गया? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बोला गया। इससे पहले इतनी असीमित शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में कभी भी नहीं थी। अब ये गवर्नर जनरल क्योंकि वायसराय बन चुका है, तो महारानी की सीधी सीधी डायरेक्ट शक्तियां किसके हाथों में आ चुकी है, वो इसके हाथ में आ चुकी है, इस वजह से इसको इतनी सारी पावर्स दी जा रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद में गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति थी, जो आज के समय में प्रेसिडेंट वगैरह के पास में आप लोग देखते हो। तो अगर ऐसे समय में भी आपातकाल भी आ गया, या देश के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या खड़ी होती है, उत्पन्न होती है, तो ऐसे समय में गवर्नर जनरल कोई भी अध्यादेश वहां पे जारी कर सकता था, ठीक है। बस वो डिपो याद रखिए आप लोग, बाकी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें इतना ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो डिपो को याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसके आकलन के ऊपर बस चले जाते हैं थोड़ा सा, आकलन की बात यही है कि 1861 के एक्ट के अंदर तीन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और वो तीन उच्च न्यायालय जो थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों बने थे, वो भी 1861 के ही एक्ट के अंदर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। लिखा था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। हाँ देखिए, इसके आकलन की अगर हम लोग बात करें, तो अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में भी थोड़ा जांच पड़ताल करना जरूरी है। तो अगर हम लोग इस एक्ट की बात करें, तो इसमें बोला गया है कि इस विधान परिषद की भूमिका सीमित थी, मतलब लिमिटेड भूमिका को बताया जा रहा है। पहली बात तो किसकी, विधान परिषद वो है जिसके अंदर भारतीय सदस्य हैं, पहली बात तो ये। एक तो इंडियन काउंसिल है पहले से ही है, जो ब्रिटिश है जिसके अंदर 6 के 6 मेंबर बैठे हुए हैं, उनकी शक्ति जो थी वो ज्यादा थी, और यहाँ पे विधान परिषद की जो शक्ति थी वो कमजोर थी। मतलब विधान परिषद
किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी जब तक वायसराय उसको फाइनल ऑथराइज नहीं करेगा। तो ये मिशन थी असीमित है। वहां पे क्या होता था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, वहां पे ये होता था कि अगर मेजोरिटी आ गई, मतलब 4-2 आ गया है ना इस तरीके का, या 3-3 आ गया, तो उसके अंदर अगर 3-3 आ गया तो गवर्नर जनरल का फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन अगर 4-2 आ गया तो काउंसिल की बात मानी जाएगी, गवर्नर जनरल की नहीं मानी जाएगी, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी शक्तियों को सीमित किया गया था, बोला जा रहा है कि भारतीयों को नामांकित तो किया गया था लेकिन भारतीयों को शामिल करने या कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, मतलब ऐसा नहीं लिखा नहीं गया था कि भारतीयों को शामिल करना कंपल्सरी, ऐसा कहीं नहीं रखा गया, ऐसा बोला भी नहीं गया था कि भारतीयकरण आपको करना ही करना है, लेकिन इस एक्ट के थ्रू भारतीयकरण ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि उन्होंने भारतीयों को शामिल कर लिया, ठीक है। और वो शामिल करना जरूरी इसलिए था, कंपल्सरी इसलिए था कि अगर भारतीयों को यहाँ पे शामिल नहीं करते तो 1857 जैसा विद्रोह अगेन फिर आगे देखने को मिल सकता है ना, तो भारतीयों को शामिल करना जरूरी था, इस वजह से भारतीयों को शामिल किया जरूरी नहीं किया था, लेकिन उसको लेकर कोई प्रावधान कानून नहीं बनाया गया था, मतलब कंपल्सरी नहीं था कि 2 साल के बाद अगर इन 3 भारतीयों को हटा दिया जाए तो इनकी जगह भी भारतीय ही आएंगे, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं था, उनकी जगह ब्रिटिशर्स भी आ सकते थे और ऐसा आगे हुआ भी, ठीक है। इसने बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति प्रदान करने के साथ प्रशासन के विकेंद्रीकरण की अनुमति दी, ठीक। बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी, हमने बोला था ना 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, बंबई मद्रास और कलकत्ता, इन 3 जगह पर प्रेसिडेंसी बनी थी। अब इन प्रेसिडेंसी की शक्तियों की जो भी विधायी शक्तियां थी उन सबको हटा दिया गया था कुछ चार्टर एक्ट के थ्रू। क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि विलियम पेंटिंग तो भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, अब जब भारत का बन गया तो फिर हम बंगाल बॉम्बे या फिर मद्रास को विधायी शक्तियां क्यों दे। लेकिन जब ये वाला एक्ट आया 1861 का, तो इसने इस बात को समझा कि हमारे पास में जो प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास में भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए, और वो शक्तियों का बोलते क्या है, जब केंद्र और राज्य में बंटवारा होता है शक्तियों का, उसको विकेंद्रीकरण बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन जिस शब्द को बोला जाता है। तो क्या करा गया कि इन शक्तियों को वापस से दे दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी को या मद्रास की प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे की खास करके प्रेसिडेंसी को, इन 2 प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे और मद्रास की, और इसी को क्या बोला गया कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण की अनुमति इन लोगों को मिल गई थी। मतलब केंद्र सरकार बॉम्बे या मद्रास के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेगी तो वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा, यहाँ भी इन लोग के पास में भी विधायी शक्तियां हैं, ये लोग इन शक्तियों का उपयोग करके गवर्नर जनरल के उस डिसीजन को खारिज भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी है सब, ऊपर भी अंग्रेज नीचे भी अंग्रेज, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि अगर गवर्नर जनरल या वायसराय ने कुछ बोला हो और इन लोगों ने उसको खारिज किया, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझ आ गई थी कि इस समय डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये विकेंद्रीकरण के ऊपर बहुत ज्यादा डीप में चर्चाएं की गई आगे महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझा था। आगे चल के अम्बेडकर जी ने भी इसके ऊपर काफी जोर दिया है कि विकेंद्रीकरण भारत में होना बहुत जरूरी है, कि भारत एक राज्यों का समूह होगा, बोला गया ना ठीक है, अध्यादेश की शक्ति थी इसके पास में, जो चाहे वो डिसीजन में ये ले सकता था, ठीक है। इस वजह से इसके पास में असीमित शक्तियां पहुंच गई थी, ठीक। इसके बाद में अगले गवर्नर जनरल पहुंचेंगे हम लोग बाद में, यहाँ तक रखते हैं आज, जो भी है लॉर्ड एल्गिन से कल शुरू करेंगे, और थैंक यू पहले बोल दो, आगे बोलने मत दिया, भूल भी जाता पता निकल होता।